हमारे साथ एक लाश चल के आती है हमेशा। जिंदा लाश। तो इतना टाइम लगा दिया? वो दो मिनट के लिए शौक हो गए, किसी हमें छोड़ के भाग गए। और ये वाला पुल पार करना है हमने। पाजी अभी सो रहे हैं, तो पाजी जाना नहीं दिल्ली? चले अभी 2 घंटे रुकेंगे। 12 अब दिल्ली दूर नहीं, 2 घंटे बाद चलना है। 12 बजे चलेंगे और हमने 7 बजे। अभी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? लगभग 10:05 और चलना है 12 बजे। कितने बजे पहुँचेंगे? 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे। फास्टैग नहीं था तो हम नहीं चाहते कि गाड़ी का ना डबल टैक्स देना पड़े। और अभी ना जाने की तैयारी हो रही है, तो अभी धन्नो में सामान पैक किया जा रहा है। ये धन्नो ही है हमारे, धन्नो घर पे। इसका नाम क्या है? घोड़ा, टिका घोड़ा, चिट्टा घोड़ा। आपने काले घोड़े तो बहुत बार देखे होंगे और शादियों में सफेद घोड़ी भी देखी होगी, पर आज हम आपको दिखा रहे हैं चिट्टा घोड़ा, टाटा का चिट्टा घोड़ा। तो अभी इसके अंदर ना पैकिंग की जा रही है, मतलब सामान जो है वो रखा जा रहा है। ये देखो कितना सारा सामान, और लगभग हमारा ना 15-20 दिन का टूर है। तो सबसे पहले जाएंगे हरिद्वार और उसके बाद जाएंगे दिल्ली। और हरिद्वार में हमारा 2 दिन का स्टॉप है, सीधा यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। 8 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल मैप पे। और अभी बज चुके हैं लगभग 11 बज चुके हैं रात के, और अभी चलेंगे यहाँ से लगभग 10 मिनट के अंदर और देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। अगर सुबह पहुँचे तो आपको बता देंगे, और रास्ते में क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यार सामान फुल पैक हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है, ये चेक करो, रात के 11 बज चुके हैं। हमारी ना कल की बुकिंग है होटल की, तो हमने सोचा कि ये सीरी पता नहीं क्या बोलने लगी, तो हमने सोचा कि शायद रात को जाएंगे तो 8 घंटे लगेंगे जाते जाते, सुबह तक पहुंच जाएंगे। और सुबह में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और 12 बजे करेंगे होटल के अंदर चेकिंग। और 2 दिन हमने वहां पर रुकना है, 2 दिन के बाद हम सीधा चलेंगे दिल्ली, और दिल्ली में जाके इसकी TPS करवानी है कम्प्लीटली। अभी इसकी कोई पेंट प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे PPF को अप्लाई किया जाता है। और ये पीछे हमारा लक्ष्य भाई जो जम्मू से है, ये भी हमारे साथ ही जा रहा है। और यो, तो चले फिर। हाँ तो चलो फिर गाड़ी के अंदर बैठते हैं, चलते हैं। कैमरे के पीछे हमारा सैंडी भाई, कोड़े चिट्टे कुड़ियाँ ब्राउन कुड़ियाँ कालियाँ नहीं, लेकिन हमारा घोड़ा ये है। आज हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे लाश, इधर आओ जरा, आपको लाश दिखाते हैं। तो यहाँ देखो ये लाश है, कत्ल हो गया है। दुल्हन की तरह ऐसा छुप जाता है, पेंट मतलब बचा के रखना है। तो अब मैं भी चलता हूँ, क्या होगा? डिग्गी हमारी खुली जाएगी, जाके बंद करके। ठीक है, तो वो जे पकड़ो फोन और करो गाड़ी स्टार्ट। अभी चल चुकी है लगभग, ये चेक करो, 1864 किलोमीटर चल चुकी है। भाई यहाँ पे क्या हो गया यार, किसी ने ना ये क्या किया हुआ, पाइप लगाया हुआ है शायद, यहाँ पे गाड़ी रोक के चेक करना पड़ेगा। तो इतना टाइम लगा दिया? वो 2 मिनट के लिए शौक हो गए, किसी हमें छोड़ के भाग गए। तो यार अभी ना लगभग कितना टाइम हो गया, तो अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना किसी ढाबे पर रुक के थोड़ा खा लिया जाए, क्योंकि लगभग हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए लगातार। पियेंगे एकदम कड़क पत्ती वाली चीनी, रोक के पत्ती ठोक के। लगने लगी ठंड, और पाजी डाल रहे हैं जैकेट, इसको कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। ये तो कह रहे हैं। और ये हमारे साथ एक लाश चल के आती है हमेशा, जिंदा लाश। हमेशा ना सबसे ज्यादा ये सोता है गाड़ी के अंदर। तो भाई यार चाय पी के हम हो चुके हैं फ्री, तो घर से ना थोड़ी पिन्नियाँ लेके आए थे जो मॉम ने हमारे लिए दी थी, तो चाय के साथ हमने वो खाई है। तो अभी चलते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। तो ये सुबह हो गई है और यहाँ पे यूवी पाजी गाड़ी चला रहे हैं। यूवी पाजी कहाँ पे घुसा दी है गाड़ी? है यार अभी ना कांड हो गया। ये लो जी गाड़ी भी लग गई नीचे, नेशनल हाईवे बंद करके रखा है। तो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है, और अभी ना यार गवर्नमेंट का क्या मैं बताऊँ, रास्ते में ये रोड देखो, पहले इतने से रोड पे साले टोल टैक्स टोल बना रहे हैं,
तो उसकी वजह से ना हमें घूम के आना पड़ा, पता नहीं कौन सा गांव था उसके अंदर से गाड़ी लगभग लगते लगते बची वहाँ पे, क्योंकि बड़ा ही नैरो रास्ता था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी फिर से आ गए हैं हाईवे पे, स्टेट हाईवे है बेसिकली ये, तो अभी उत्तराखंड में तो हो चुके हैं एंटर, और अभी हरिद्वार बाकी है 45 किलोमीटर। तो फाइनली यार होटल के अंदर पहुंच चुके हैं, और एक होटल जो पहले बुकिंग थी हमारी वो किसी वजह से हमें कैंसिल करनी पड़ी। और ये मेरे सामने एक नज़ारा गंगा मैया का, ये चेक करो वो अब तक तैर रहा है, वो चेक करो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये दूर तक जाएगा लग रहा है। कहाँ पे? पुल के पास जाना। तो अभी ना वो पुल पार करना है हमें, तो फिर पहुँचे हम होटल में, तो उसके पास पार नहीं है, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा वो वाला सामने वाला पुल, तो वहाँ से होटल में जाएंगे। और यार अभी रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह के निकले हैं और काफ़ी टाइम हो गया, और अभी थक भी गए हैं आज, कम से कम हमने 5 वीडियो करी हैं अपने दूसरे चैनल के लिए, और ब्लॉग जो है वो डेली डेली आते रहेंगे, बाकी का ब्लॉग हम होटल में जाके शूट करेंगे। और ये वाला पुल पार करना है हमने, और ये ना एक बार चेक करो भाई, प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि भाजी ना सामने चले गए गलती से, वैसे हमने वो पुल क्रॉस करना था, उन्होंने ये वाला कर लिया, तो अभी हमने भी सोचा चलो इधर से ही चलते हैं। और पुल के ऊपर भी ना लोग अपनी दुकानें लगा के खड़े रहते हैं यहाँ पे। भाजी को पूछे क्या हो गया, भाजी क्या हो गया, बैठ क्यों गए यहाँ पे, क्या हो गया है? और ये देखो भाजी को भी गिफ्ट मिला, और सबको गिफ्ट मिला है, उन्होंने भी पहना हुआ है। तो यार थोड़ी देर हम भी बैठते हैं क्योंकि कमर दर्द हो रही है, और थक गए यार।